दोस्तों आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मामलों में 354 की बढ़त के साथ 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में कुल मामलों की संख्या 4,500 पार कर चुकी है। 114 लोगों की जान गई है और 326 लोग ठीक हुए हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विक दवाओं को लेकर मची विवाद के बीच अब भारत ने कुछ दवाओं पर लगी रोक को हटा दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, पहले भारत में इसकी जरूरतों को परखा जा रहा है और उसी के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित देशों को मदद पहुंचाने का फैसला लिया जाएगा। तेज प्रताप ने अपने माँ के साथ दोनों हाथों से जलाया लालटेन। रावी बोली, अब लालू जी को रिहा कीजिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जहां देश भर में कई कैदियों को रिहा किया जा रहा है, तो वहीं मेरी झारखंड सरकार से मांग है कि लालू जी को रिहा किया जाए। सुहाना खान ने लॉकडाउन के बीच ली बेली डांस क्लास। शाहरुख खान की बेटी की फोटो हुई वायरल, सुर्खियां बटोर रही सुहाना। बिहार से बाहर फंसे मजदूरों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किए 10.25 करोड़ रुपए। देश भर में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन हटाया जा सकता है। पीएम मोदी ने मांगी फीडबैक और रिपोर्ट।